हेलो गाइस, तो आज हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला एक और नया डिवाइस जो कि वीवो Y21e। और कुछ देख से आपको इसका बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। कुछ की हाईलाइट फीचर्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलता है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर जो कि 6 nm में बना हुआ ऑक्टाकोर 2.4 GHz का प्रोसेसिंग के साथ आता है। उसके साथ इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि 18 वाट तक के चार्जर को सपोर्ट करती है। यहाँ आपको साफ साफ मेंशन है हमारे पास जो कलर है वो है मिडनाइट ब्लू कलर, 3GB 64GB रोम वाला वेरियंट है। और कुछ तरीके से और भी डिटेल्स आपको बॉक्स पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स खोलने के बाद हमें एक और छोटा बॉक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, यहाँ पर सिलिकॉन कवर जो कि ट्रांसपेरेंट वाला है, और उसके साथ यहाँ रखा हमारा डिवाइस जैसे निकालते हैं बाहर। और फर्स्ट लुक में काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लग रहा है और काफ़ी स्लिम है फोन। तो चलिए डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स अंदर और क्या कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मिलती है आपको एक केबल जो कि टाइप सी देखने के लिए मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाता है आपको 18 वाट का चार्जर, और उसी के साथ यहाँ पर देखनी जाती है आपको इंजेक्शन पिन। तो चलिए मैं जल्दी सेटअप कर लेता हूँ फ़ोन को, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फ़ोन हो गया गाइस हमारा पूरा सेटअप, और कुछ तरीके से फर्स्ट लुक आपको देखने के मिल जाता है होने के बाद। तो चलिए गाइस कर लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू। तो इसके अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की एक HD+ स्क्रीन जो कि IPS पैनल वाली मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और जो बेजल्स है वो इस तरीके से आपको ब्लैक ब्लैक से देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर के मुकाबले नीचे कुछ आपको ज़्यादा ही नोच देखने के लिए मिल जाता है। और उसके साथ ही जो ग्रिप क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, एक हाथ का पैर कर सकते हो, लेकिन आपके ज़्यादा छोटे हाथ है तो आपको थोड़ा सा दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ ही फ़ोन के लेफ्ट हैंड देखोगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल बटन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सिम टे देखने को मिल जाती है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ही स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, इसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी एसडी कार्ड लगा सकते हो। और उसके साथ ही फ़ोन के राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाता है, और इस पावर बटन पर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने टच किया, वैसे इसने अनलॉक कर दिया और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसी के साथ देखते हैं बॉटम साइड में, यहाँ पर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक दिख जाता है, माइक देखने को जाता है, यहाँ पर टाइप सी फोन चार्जिंग का है, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिख जाती है। उसके साथ बैक साइड में आपको उस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, मिडनाइट ब्लू कलर है इसी। और यहाँ पर आपको बैक साइड में 2 ही कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ लग रहा है एक और कैमरा, लेकिन इसके अंदर आपको 2 ही कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और किस तरीके से आपको कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, पीछे का जो ग्लास है वो फाइबर ग्लास है, मतलब ग्लास नहीं प्लास्टिक है, ये वीवो की ब्रांड तो मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और पीछे तरफ देख सकते हो आपकी उंगलियों के दाग इस पर काफ़ी जल्दी पड़ने वाले हैं, तो इसको आपको साफ करते रहना पड़ेगा। और सर काफ़ी स्लिम फ़ोन है, काफ़ी हल्का फ़ोन है, 5000 mAh की बैटरी मिल रही है उसके मुकाबले। तो चलिए फेस अनलॉक देख लेते किस तरीके से काम करता है। फेस मेरा बिल्कुल सामने है, और मैंने जैसे कार ओपन दबाया वैसे ही अनलॉक कर दिया है, और काफ़ी फास्ट काम करता है। तो इसको इस तरीके से आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर आपको डिटेल्स बताऊँ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर 2.4 GHz पर काम करता है, और 3GB 64GB रोम वाला वेरियंट है हमारे पास। एंड्रॉयड 11 आपका इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर और डिटेल्स है, यहाँ देख लीजिए कैमरा डिटेल के बारे में बात करें तो चलिए मैं कुछ फीचर्स क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके मेन कैमरा से मैंने बैक साइड के एक पिक्चर क्लिक किया, तो उस तरीके से आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी है इसने रियली में, और इंडोर लाइटनिंग के अंदर फोटो आई है देख सकते हो शार्पनेस काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। तो चलिए एक फ़ोटो में क्लिक करता हूँ, चार्जर की करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, लेकिन थोड़ा सा हाथ लिया है, तो
तो उस वजह से थोड़ा सा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा दोबारा खींचता हूँ मैं, थोड़ा स्टेबल करते हैं। तो अब थोड़ा फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, देखिए देख लीजिए। तो आपको थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका ज़रा सा भी हाथ हिलता है तो फोटो आपकी शेकी शेकी हो जाएगी। तो चलिए सेल्फी कैमरे से भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आपको 8 मेगापिक्सल से देखने के लिए मिल जाती है। तो कैसे कुछ फोटोज़ इसी के कैमरे से क्लिक किए मैंने, आप चेकआउट कर लीजिए। Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak. तो गाइस फोटोज काफी अच्छे हैं, ये फोन की काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ कैप्चर किया है। इंडोर के अंदर भी काफी अच्छी डिटेलिंग आपको देखने मिल जाता है। तो गाइस फोन का जो प्राइस है वो लगभग 12,000 रुपए के प्राइस के रेंज में आया है फोन। तो उसके हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा 1,000-1,500 रुपए ज्यादा होगा इसका प्राइस। अदरवाइज फोन काफी अच्छा है, आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। और गाइस फोन में डिटेलिंग भी काफी अच्छी आई हुई है, कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हैंडी फोन है, बस 6.5 इंच का है, थोड़े छोटे हाथ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 6.4 इंच काफ़ी इनफ होता है अगर आपको छोटे फ़ोन चाहिए, वैसे चल जाता है, कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर आपको HD+ स्क्रीन मिलती है, क्योंकि फुल HD नहीं मिलती, फुल HD होनी चाहिए थी। तो चलिए गाइस आप बताइए मुझे आपको कैसा लगा फ़ोन कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो